please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने चित्रकूट के प्रभावित क्षेत्र रामघाट के आसपास के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और रामघाट के दुकानदारों को समय रहते अपना सामान हटाने की सलाह दी है। दरअसल मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों दुकानों के अंदर पानी भर गया है और रामघाट मंदाकिनी के रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई है। वहीं अचानक आई इस बाढ़ से नदी किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल उधर सतना साइड में बारिश हुई थी तो वहाँ से उन्होंने जो कलेक्शन का है वही कलेक्शन उन्होंने छोड़ दिया है, तो जो अभी हम लोगों की वार्ता हुई है उसके हिसाब से अभी आधा पौन फीट पानी और बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के यूपी में भव्य विष्णु मंदिर बनवाने के बयान के बाद उनकी पार्टी में ही इसका विरोध होने लगा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो इटावा में कंबोडिया के एंकोर वॉट की तर्ज पर विष्णु मंदिर बनवाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता सीपी राय ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश के सलाहकार उन्हें गलत राय दे रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं और मुझे बहुत दुख है और आश्चर्यचकित इस बात पर हूं कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगल-बगल कौन लोग बैठ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभचिंतक नहीं बल्कि पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दुश्मन है। चूंकि सीपी राय इन दिनों पार्टी नेतृत्व से नाराज भी चल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों में अखिलेश पर मुद्दों से भटकने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन इस मुद्दे पर घमासान समाजवादी पार्टी तक ही नहीं रहा बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संत भी मैदान में उतर आए, जिनमें एक नाम राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती का रहा, जिन्होंने सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश पर हमला किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम पर ठगी करने वाले दो बदमाश को पुलिस ने मुंबई और दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली में एक आदमी पीयूष गोयल से नजदीकी का दावा कर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर रहा था, जिसकी खबर जब केंद्रीय मंत्री को लगी तब उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई में पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि तीसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री महोदय रेलवे श्री पीयूष गोयल जी, इनके कार्यालय से उनके पर्सनल सेक्रेटरी श्री प्रवीण गेडाम जी, इन्होंने MRMR पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी कि उन्हें कुछ मेल प्राप्त हुए जिसमें कि रेलवे में अभी जो बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें कुछ मंत्री महोदय साहब का नाम लेकर कुछ कॉमन बच्चों को पैसे लेकर जॉब दी जाएगी, इस बारे में जानकारी आई। इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी तक हमने इसमें दो आरोपियों को अरेस्ट किया है, रुफूस डाबरे और मंजीत सिंह चिलोत्रे। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को वहां मौजूद कुछ लोग काले झंडे दिखाने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध कर रहे इन लोगों ने उन पर गद्दार होने का आरोप लगाया और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाते हुए उनके खिलाफ नारे भी लगाए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध कर रहे लोगों को रस्सी की मदद से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं माने और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध कर रहे ये लोग बीजेपी के ही बताए जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार है, पार्टी ने उसको इतना सम्मानित किया, इतने बार से टिकट दिया और वो आप वालों के साथ आके यहाँ गुफ्तगू कर रहा है। हालांकि विरोध से बेपरवाह शत्रुघ्न सिन्हा ने विरोधियों के अच्छे काम की तारीफ करने की नसीहत दे डाली। अगर अपोजिशन जो है हमारा दुश्मन नहीं है तो हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के, अगर वो लोग कुछ अच्छा करते हैं और जब भी करते हैं तो उनके सराहना होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिल्ली सरकार की जमकर तारीफ की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। एकता यात्रा पर मध्य प्रदेश के मालवा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर गौमांस निर्यात करने वाली कंपनी से चंदा लेने का आरोप लगाया। यूपी के इटावा में जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के पेट में कपड़ा छोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद से डॉक्टर फरार है। एमपी के देवसर कोर्ट से कैदियों को पेशी कराकर लौट रही गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 14 कैदी और 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजस्थान के जयपुर में सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास छत का कुछ हिस्सा गिर गया, अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। बिहार में पटना सिटी में बालू माफिया से पुलिस की अवैध वसूली की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद एसएसपी मनु महाराज ने दो थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, तभी अचानक मोटरसाइकिल में आग लग गई जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। देश में जल्द ही पोर्टेबल पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की एक निजी कंपनी एलिंस पोर्टेबल पेट्रोल लिमिटेड ने चेक रिपब्लिक की कंपनी पेट्रोकार्ड के साथ करार किया है। एलिंस के अफसरों ने बताया कि उनकी कंपनी देश के कई हिस्सों में पोर्टेबल पेट्रोल पंप लगाएगी। पोर्टेबल पेट्रोल पंप में एक कंटेनर और फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन होती है जिसके जरिए किसी भी गाड़ी में ईंधन भरा जा सकता है। पोर्टेबल पेट्रोल पंप साइज में छोटे होते हैं जिनको ट्रक पर लाद कर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ऐसे पंप मिल्क बूथ या ATM की तरह सेल्फ सर्विस मॉडल पर काम करते हैं, यानी डिजिटल तरीके से पैसे चुकाने के बाद कोई भी अपनी जरूरत के मुताबिक ईंधन भर सकता है। कंपनी ने बताया कि एक पोर्टेबल पेट्रोल पंप पर 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की लागत आएगी, जबकि इन पंपों की टैंक की क्षमता 9000 से 30000 लीटर तक होगी। राजस्थान के दौसा में लड़कों के दो गुट बीच सड़क पर आपस में मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लड़के एक कॉलेज के छात्र हैं। जो छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए एक विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। स्कूटी और मोटरसाइकिल से बस स्टैंड पर पहुंचे करीब 6 से ज्यादा छात्रों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। मारपीट कर रहे लड़के ने टी शर्ट पहने छात्र को पीछे से पकड़ लिया, जिसके बाद नीली टी शर्ट पहने दूसरा छात्र टोपी पहने एक लड़के पर हावी हो गया और कुछ देर तक दोनों के बीच जोर आजमाइश चलती रही। बीच सड़क पर छात्रों के बीच हुई इस मारपीट के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक बच्ची के रेप के मामले में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घंटों सड़क जाम रखी। प्रदर्शन के दौरान भीड़ में कुछ लोगों पर पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला करने का भी आरोप लगा है, जिसमें पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सड़क पर जमे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और छतरपुर से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को खाली करवाया। ये रोड भाई साहब यहाँ 4 घंटे से जाम। रोड पर एक बच्ची थी जिसकी उम्र बताई जा रही है 7-8 साल, उसके साथ रेप हो गया। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, जो जनता है उसमें खासा रोष है, इस पूरे मामले में क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है? निश्चित तौर पर जो आरोपी था उस प्रकाश नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो सनकी था, लेकिन जो आरोपी को पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ जब मामला दर्ज किया था तो उससे पहले ही लोग वहां से काफी भड़के हुए थे, क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और रात को हुई थी, और पुलिस के खिलाफ भी वहां पर रोष था कि पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो कल शाम को जो शनिवार शुक्रवार की शाम को इलाके के लोगों ने एक जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाह रहे थे कि जो आरोपी है उन्हें उसके हवाले कर दिया जाए जनता के, ताकि जनता खुद उस पर फैसला लेगी। इस पूरे मामले को दबाने के लिए पुलिस काफी हद तक लाठीचार्ज भी करने के लिए उतर आई, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई अधिकारी भी चोटिल हुए हैं और कई लोग रंगपुरी इलाके के जहाँ की वो बच्ची रहने वाली थी उसके आसपास के लोग थे, उन लोगों को भी जो है चोटें आई हैं। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि अभी तक फिलहाल जो अधिकारी है उनकी चोटें लगी, लेकिन अभी भी पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका।